उस साइड में काफ़ी जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर तक तो बारिश आई नहीं है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं अपने दोस्त के छत पर आया हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। दोस्त के साथ आया था, कुछ काम था तो मैंने चला चलो छत पे आपको कुछ छत का नज़ारा दिखा दें, इसलिए मैं छत पर आया हूँ। अभी जाना है दुकान, आज दुकान खोलने में काफ़ी लेट हो गया। कल जैसे पता है आपको, कल रात में मैं घूमने गया था, यानी कि दुर्गा पूजा घूमने गया था, तो भाई दुकान पर था, दुकान बंद ही था मेरा, हवा काफ़ी तेज़ चली है। तो अभी चलते हैं दुकान, पहले आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। उस साइड में काफ़ी जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर तक बारिश आई नहीं है। अभी हल्का हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उस साइड में जो है ना काफ़ी जोरों की बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मैं दुकान पर आ चुका हूँ, जितने मेरे कपड़े हैं उसको मैं बाहर कर रहा हूँ। तो चलिए पहले कपड़े को बाहर करते हैं, उसका दुकान को झाड़ कर पूजा कर लूँ। चलिए पहले कपड़े को बाहर करते हैं। बाहर बारिश होगा, वेदर काफ़ी गंदा किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कपड़े को बाहर करूँ या ना करूँ, क्योंकि बाहर करूँगा तो फिर बारिश होगी, फिर से अंदर करना पड़ेगा। तो काम करता हूँ, कपड़े को पहले अंदर ही रख लेता हूँ, अगर बारिश नहीं आती तो फिर बाहर कर दूँगा। अभी ना दुकान में कुछ आर्टिकल आया हुआ है, यानी कि कल मैं जब मार्केट गया था तो कुछ आर्टिकल लेके आया था। चलिए मैं अपने वो आर्टिकल आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सा आर्टिकल लेके आया हूँ। ये वाला आर्टिकल मैं लेके आया हूँ, ये भी शर्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसे मैंने यहाँ पर कैटलॉग में लगाया है और यहाँ पर भी लगाया है। देख सकते हैं कितना अच्छा है, इसका कलर चार्ट जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है, यूनिक लगता है इसका। सेकंड है ये वाला आर्टिकल, ये शर्ट में स्ट्राइप वाला वाइट है, ये ब्लैक है। इसका भी मैंने एक आर्टिकल बाहर लगाया, वहाँ पर लगाया है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, अभी बाहर में जाना पड़ेगा। और एक इस प्रिंट में लाया हूँ, यानी कि ये चेक चेक में है और ये स्ट्राइप में है, लंबा लंबा। और ये जो नया प्रिंट आया है वो वाला माल है। अभी अचानक ना काफ़ी जोरों की बारिश होने लगी, ठीक है, तो मैं जो बाहर कपड़े थे सबको अंदर किया, और अभी एक आर्टिकल है उसे मैं देख रहा हूँ। ये जो आर्टिकल है मैं इसे देख रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस पैटर्न में है ये सारा कपड़ा। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है ये आर्टिकल। तो बारिश रुक गई है और मैं जो बॉक्स पैंट शर्ट था उसे बाहर लगा दिया हूँ, अंदर में जो भी बॉक्स था उसे सब बाहर कर दिया हूँ।
और अभी कुछ दुकान इस तरीके से दिख रहा है और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से। तो अभी कुछ लड़के आए थे जो कि शर्ट और जींस लेकर गए हैं। मैंने पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, तो वो लोग बोले थे हम लोग झारखंड से आए हैं। नहीं, झारखंड से मेरे कपड़े खरीदने आए हैं, जहाँ पर बगल में दुर्गा पूजा हो रहा है वहाँ पर लोग झूला लगाए हैं, तो झूला के लिए आए हैं। तो बोली वो लोग ही कपड़े लेने भी आए थे अभी, तो कपड़े लेकर चला गए हैं। उन्होंने जीन्स लिया, ट्रैक पैंट लिया, शर्ट लिया और एक ट्राउज़र लिया। मैं दिखाता हूँ क्या क्या लिया और दुकान का क्या अवस्था है, देख लीजिए। ये सब जीन्स है जो मैंने उनको दिखाया था, तो इनमें से एक जीन्स, एक ट्रैक पैंट, एक शर्ट, एक ट्राउज़र लेकर गए, चार चीज़। और देखिए दुकान का अवस्था कुछ ऐसा होकर रखा है, सब बिखरा पड़ा है, सबको भी ठीक करने है ना। अगर आप दुकान खोल कर रखे हैं तो कस्टमर कोई ना कोई आएगा ही। तो आज कस्टमर आया था, आज विजयादशमी है, यानी कि दुर्गा पूजा का आज लास्ट डे है। आज के दिन ही माता दुर्गा ने भैंसासुर का वध किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो अभी चलिए दुकान का अवस्था काफ़ी खराब, उसे ठीक कर दें। और भूख भी काफ़ी ज़ोर से लगी है, देखते हैं आज भाई आता है कि नहीं, क्योंकि भाई कल रात में घूमने गया था, यानी बाहर दुर्गा पंडाल देखने गया था, लेट से ही आया है। तो इस बार मैंने बारिश को चकमा दे दिया, ठीक है। हुआ ऐसा कि बारिश का पूरा एकदम वेदर कर दिया है, खतरनाक वाला है वेदर, किया बारिश कभी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही मैंने कपड़े को अंदर कर दिया। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी बारिश होता है उसके बाद मैं कपड़े को अंदर करता हूँ, लेकिन इस बार बरसात से पहले ही कपड़े को अंदर कर दिया। ये देखिए बाहर का कुछ वेदर ऐसा करके रखा है कि जब भी बारिश हो सके। इतने ये कपड़े यहाँ पे हैं और ये बॉक्स पैकिंग शर्ट को मैंने अंदर कर दिया सबको, सब बॉक्स पैकिंग शर्ट को। अभी इवनिंग का समय है, मैं दुकान पर आ चुका हूँ, कोई कस्टमर नहीं है, यानी कि आज विजयादशमी का दिन है, दुकान पर कोई कस्टमर नहीं है। देखते हैं कस्टमर आता है कि नहीं, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें।